मुंबई की बोरीवली रेलवे पुलिस ने एक अमेरिकन इंजीनियर का लैपटॉप बैग चोरी करने वाले दो चोरों को मात्र दो घंटे के अंदर गिरफ्तार कर उनका लैपटॉप उनको लौटने वाले सराहनीय कार्य किया है। बोरीवली जीआरपी के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अनिल कदम ने बताया कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में रहने वाले 60 वर्षीय बाल गोविंद शर्मा 30 साल पहले पवई आईआईटी में टॉपर थे, जिसके बाद अमेरिका की सरकार ने उन्हें अमेरिका बुला लिया और वहीं की नागरिकता दे दी। पवई आईआईटी में टॉपर का 30 वर्ष पूरा होने के बाद पवई आईआईटी की तरफ से उनका लेक्चरर गेट टुगेदर का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें बाल गोविंद शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में जाने वाले थे। बोरीवली में पहुंचने के बाद उन्हें थोड़ी थकान हो गई थी। वो स्टेशन के वेटिंग रूम में आराम करने लगे, तभी दो चोरों ने उनका लैपटॉप बैग लेकर भाग गए। पुलिस ने बताया कि शिकायत दर्ज होने के मात्र दो घंटे के अंदर ही पुलिस ने दोनों आरोपियों को बोरीवली पूर्व से पकड़कर अमेरिका से आए बाल गोविंद शर्मा का लैपटॉप उन्हें वापस दे दिया गया। बैग के अंदर लैपटॉप के अलावा उनका मोबाइल फोन भी था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। आरोपी मोहम्मद अरशद मोहम्मद आजाद 21 वर्षीय और मोहम्मद इस्लाम इदरीस 2 वर्षीय है। दोनों आरोपी एक महीने पहले ही पश्चिम बंगाल 24 परगना से मुंबई आए थे। मुंबई से नवी शक्ति न्यूज की रिपोर्ट। आरोपियों को आप लोगों ने अरेस्ट किया है जो एनआरआई का बैग लेकर फरार हो गए थे, उसी घंटे में आप लोगों ने वो केस को डिटेक्ट किया, क्या मामला डिटेल बताइए। 6 जनवरी सुबह 10 बजे एक अमेरिकन नागरिक बोरीवली रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म 10 के पास जो वेटिंग रूम है, उस वेटिंग रूम में वो रेस्ट कर रहे थे। उसी दौरान उसका वो रेस्ट कर रहे थे, उसका फायदा उठा के दो आरोपी ने उनके पास जो लैपटॉप की बैग थी वो चोरी किया। जैसे कि हमारे पास ये मामला रिपोर्ट हुआ, हमारी टीम ने तत्काल सीसीटीवी फुटेज के आधार पे सिर्फ 2 घंटे में सीसीटीवी फुटेज के आधार पे उसका फॉलोअप करके वो आरोपी को तुरंत हमारी टीम ने ताबे में ले लिया है। और वो आरोपी से वो अमेरिकन सिटीजन की चोरी हुई बैग भी बरामद करके वो अमेरिकन सिटीजन को हैंड ओवर किया है। सर, आरोपियों का बैकग्राउंड क्या है और इन आरोपियों को कहां से अरेस्ट किया गया? ये आरोपी रहने वाले वेस्ट बंगाल साउथ 24 परगना ये डिस्ट्रिक्ट के है। वैसे वो एक महीना पहले मुंबई में आ चुके हैं काम की तलाश में और इनको कहां पे काम नहीं मिला और इसलिए वो लोगों ने ये चोरी किया, ऐसा उनका कहना है। ये टीम ये आरोपी को हमारी टीम ने बोरीवली स्टेशन ईस्ट से ताबे में लिया है। इनका बैकग्राउंड क्या क्या है, इनके ऊपर पहले किस तरह कोई वारदात? इनका हम लोगों ने पूरा रिकॉर्ड चेक किया है, इनके ऊपर अभी तक कोई केस रजिस्टर नहीं है। क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को कि अपने सामान को संभाल के किस तरह से रखें? जैसे कि वेटिंग रूम में बहुत सारे पैसेंजर्स रेस्ट करते हैं, वेटिंग रूम में बैठे रहते हैं, तभी बहुत सारे पैसेंजर्स अपना मोबाइल भी चार्जिंग पे लगाते हैं, तो तभी ध्यान रखना चाहिए कि वहां पे कोई आ रहा है जा रहा है और अपना सामान कहाँ पे रखा है, उस सामान के ऊपर पूरी अपनी नजर होना जरूरी है।